जी बोले थे 3100 बोल के बताए थे, जब भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण भी कर लिए, अभी तक ना उसका कुछ नहीं बोल पाए हैं। अभी पिछले साल वाला तो बोनस अभी तक डाल रही है कि नहीं डाल, उसको पता ही नहीं चल रहा है। इकट्ठा डालेंगे बोले, डालेंगे कि नहीं तो कर्जा माफ हो जाए, तो ये आशा है किसान को, कर्जा माफ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। इस वक्त हम किसानों के साथ हैं क्योंकि किसान छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसान है। यहाँ ये इनका अब मंत्रिमंडल गठन होने पर, सरकार बनने के बाद क्या आशाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप देख रहे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। हम किसानों से बात करते हैं कि क्या सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है और क्या क्या आशा है। क्या आप कहेंगे, किसान हैं, धान बेचने आ रहे हैं आप, क्या क्या कहेंगे आप? जी बोले थे 3100 बोल के बताए थे, जब भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण भी कर लिए, अभी तक ना उसका कुछ नहीं बोल पाए। अभी जो 21 में तब धान का ये कटौती ये चल रहा है, तो कब तक करेंगे ये कहने का किसानों का। हाँ, किसान का कहना कि अभी जो समर्थन मूल्य 3100 में खरीदी का था, वो किसानों की मांग है। पहले जो कांग्रेस सरकार बरदाना की दिक्कत होती थी, जब धान बेचने आते थे तो कई परेशानी, अभी क्या स्थिति है? अभी तो कुछ नहीं बोले उधर से, कुछ ऑर्डर नहीं। अभी बोले 25 को जो 17-18 का बोनस डालेंगे बोल के, तभी कहाँ कहाँ बिका रहा है वो बोला। भाजपा ने बोनस का भी बात किया है, 25 जो तारीख बोला मुख्यमंत्री ने, कहा है कि आपको 25 तारीख को जो पुराना 2 साल का बोनस था वो डल जाएगा। अभी जो धान आप बेचने आ रहे हैं तो उसमें पहले बारदाना की दिक्कत आती थी, बारदाना नहीं रहता था कभी, ऐसे क्या अभी भी ऐसी दिक्कत है? अभी तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी अपन को जो बोले थे ना वाला डाल देने से हमको अच्छा लगता ना किसानों को। किसानों का मांग है कि अगर 3100 से जो सरकार ने कहा है वो उस तरीके से अगर ले तो उनके लिए अच्छा होगा। आप किसान है, धान बेचने आए, क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांग है? तो फिर सरकार जीतने की बात तो बोला 31 किएंगे बोलेंगे थे, अभी तक नहीं दिए हैं। अब देंगे तो भी देंगे, कब तक देंगे, तो देने से अच्छा रहता हम लोगों को, और बोनस भी देने से। कैसा धान बराबर ले रहे हैं आप? हाँ, बराबर ले रहे हैं। पहले कांग्रेस सरकार था तो बारदाना का की दिक्कत होती थी, नहीं ले पाते। हाँ, अब क्या, अभी ठीक है, ठीक है। बोनस भी सरकार देने वाली है? हाँ, पिछले साल वाला तो बोनस अभी तक डाल रही है कि नहीं डाल, उसमें पता ही नहीं चल रहा है। इकट्ठा डालेंगे बोले, डालेंगे कि नहीं तो डालने से अच्छा रहता। मुख्यमंत्री से और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से और क्या क्या मांगे आप? मांग क्या मांग करेंगे, वही तो घोषणा की है, उसको घोषणा को पूरा करना है मांग को। हमारे साथ और भी किसान है, उनसे बात करते हैं। आप किसान है, धान बेचने आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल धान लेने आए हैं, धान लेके आए हैं बेचने मंडी में। अभी तो क्या बोलने से, जो कि 2183 के हिसाब से अभी डाल रहे हैं धान का, और बाकी का जो मुख्यमंत्री जो बनने का बाद में देंगे बोले 31 के हिसाब से, अभी तो नहीं दिए अभी तक, तो क्या बोलते हैं आदेश नहीं आया करके बोल रहे हैं। बाकी तो अभी ठीक है, यहाँ पे वारदाना भी अभी मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग बहुत सुविधा हो रहा है। पिछले 17 में तो क्या बोलने से वारदाना भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग को दुकान दुकान घूमना पड़ रहा था। पहले दुकान दुकान घूमते हैं, कांग्रेस सरकार में आने आप परेशान थे, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं है, अभी कोई फिलहाल अभी परेशानी नहीं है। बोनस तो पिछला 17 का एक किस्त बचा था, तो उसका क्या बोलने से डालेंगे अभी कि नहीं डालेंगे तो पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि जो आपको भाजपा सरकार में 2 साल का बोनस मिल जाता वो भी देंगे आप? हाँ, वो तो क्या बोलने से 25 दिसंबर को देने का बोले हैं। यानी आशा है कि अब आशा है कि डालने से अच्छा रहता पिछला 2017 का बोनस। निश्चित तौर पे जो भाजपा सरकार आई है 3100 में धान खरीदी और 2500 जो जो पुराना जो मांग था कि किसानों को 2 वर्ष का बोनस दिया जाएगा, जो काफी किसान उनकी है कि ये डल जाए तो अच्छा होगा। आप किसान है, धान बेचते हैं, क्या कहेंगे? यही आशा है कि धान बेचते हैं। पहले कांग्रेस सरकार भी घोषणा किया था कि कर्जा माफ करके, तो कर्जा कांग्रेस सरकार माफ किया। अभी भी यही आशा है कि सरकार भी, बीजेपी सरकार भी बोला था कि कर्जा माफ है करके, वही आशा है हमको किसान को, कर्जा माफ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता गरीब दुर्ब को, यही बात। हमने 3100 में धान खरीदी का मुख्यमंत्री जो भाजपा सरकार ने वादा किया था,
और 2 वर्ष का जो पुराना बोनस है वो देने की बात कही थी, उस पर क्या कहेंगे? इसमें अगर बसपा सरकार देती तो पुराना वाला भी तो बोनस तो अच्छा रहेगा अपना गरीब को। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो यहाँ पे बारदाने की कई दिक्कत आती थी, किसानों को धान बेचने में बहुत परेशानी होता था, अभी क्या स्थिति है? अभी पहले भी उतना परेशानी तो नहीं हुआ, लेकिन किस्ती सार बार में किस्ती डालता था बोनस वाला। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है धान? नहीं आ रहा अभी तो, हम दुकान कटाने आए तो हमारा धान कटा नहीं हुआ है। और भी हमारे साथ किसान, उनसे बात करते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ अपना बोनस मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, अपना जो बोनस के साथ अपना जो धान का कुंटल जो 2100 रुपया जो देने से और अच्छा रहेगा किसान लोगों को, किसान भाई लोगों को। और सर क्या बोलना चाहूँगा सर, उससे ज्यादा जो अपना जो कांग्रेस जो सरकार जो वो भी मांग जो घोषणा पत्र में लिखी रही वो भी ऐसी कितना कितना कुंटल कितना क्या हिसाब से 3100 भाजपा सरकार बनी 3100 में धान खरीदी की बात की है और जो नहीं दे रही है जो 3100 का जो धान बोली थी लेकिन अभी नहीं दे रही है किसानों को, जो पहले का जो रेट है वही रेट से अभी दे रही है उसी रेट में। यहाँ पे हमारे साथ किसान थे, काफी किसानों में करते कि भाजपा जो सरकार बन गई है अब 3100 में उनका धान ले और जो वादा घोषणा पत्र में किया गया है कि उन्हें अब 2 वर्ष का जो पुराना भाजपा कार्यकाल में बोनस था वो बचा हुआ है वो उन्हें मिल जाए वो मिल जाए। धर्मेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ तक, सुकमा।